सिद्धार्थ शुक्ला का जाना न सिर्फ फैंस को तोड़ चुका है बल्कि उनकी फैमिली भी भीतर ही भीतर टूट चुकी है। उनकी माँ को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा है क्योंकि सुबह 3 बजे उन्होंने अपने हाथों से सिद्धार्थ को पानी पिलाया। सिद्धार्थ ने सीने में दर्द की बात कही थी और उसके बाद उनकी माँ ने उन्हें पानी पिलाया और सुला दिया और उसके बाद वो ऐसे सोए कि सुबह उठे ही नहीं। माँ के हाथों से थपथपाकर वो सो चुके थे लेकिन माँ को नहीं मालूम था कि ये हार्ट अटैक है और न खुद सिद्धार्थ को मालूम पड़ा कि ये दर्द कोई मामूली दर्द नहीं है बल्कि हार्ट अटैक है। सिद्धार्थ शुक्ला की माँ की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की माँ बस रोते रोते एक ही बात की रट लगा कर बैठी है। सिद्धार्थ शुक्ला की मां को सहारा देने के लिए टीवी इंडस्ट्री के काफ़ी सारे लोग पहुंच रहे हैं सिद्धार्थ के घर में। उनकी बहनें भी हैं, उनके जीजा भी हैं, हालांकि हॉस्पिटल भी जाना पड़ रहा है क्योंकि हॉस्पिटल की भी बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करना होता है, उसके बाद ही चीज़ें आके दी जाएंगी। ऐसे में सिद्धार्थ की जो मॉम है रीता शुक्ला जी, उनकी हालत बहुत ख़राब बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वो सबसे सिर्फ एक ही बात बोल रही है कि तुम मेरे बेटे को वापस ले आओ। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, सिद्धार्थ शुक्ला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते थे और बिग बॉस में हमने सुना भी था कि मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता हूँ और इतने लंबे टाइम के लिए मैं अपनी माँ से दूर नहीं रहा हूँ, लेकिन अब तो वो हमेशा हमेशा के दूर हो गए और उनकी माँ बिलक बिलक कर सिर्फ एक ही बात बोल रही है कि कहीं से मेरे बेटे को ले आओ वापस, लेकिन कौन कैसे समझाए कि जाने वाले आते नहीं हैं।